job opportunities. Third one is reduction of cost. These three are, otherwise there is no meaning for effectiveness measure at all. So the rationalization of a brand, earn the commission or bank, primarily commission or bank was not formed to earn the profit. It was only to ensure the social upliftment of this country. And the capital which is in the hands of the government, it is to be deployed properly. Sir, once again, I remember another story, ILM story. NBFC was given a huge money into them. The capital which was in the hands of the bank, it was extended in the hands of ILM to handle it. What happened ultimately? Ultimately what happened? And the, how did the private sector is managing? Yesterday's news says that the previous year it was 123 crores. Next year there is a loss of 1,400 crores. And they are telling the top line of the company, 2% of the income as a salary. And then their auditors, they could not proceed there. This is what happened. But in the public sector, it cannot happen. It has got so many controls, so many checks, so many managers. So, primarily this merger is to prevent. I want to add, when the Prime Minister has announced the merger of these three banks, he recalled the successful merger of the State Bank of India. One is the State Bank of India's merger can be brought as an organic merger. Because they were all associate banks which were governed under almost the similar rules. The people from State Bank of India only were deputed to other associate banks. So it was a natural or harmonic merger. But still that merger did not bring any kind of... जैसे ये merger हो रहे हैं इन banks के और अलग-अलग culture के banks एक merge कर रहे हैं उसमें कुछ जो banks हैं उनकी काम नहीं भी कर रहे हैं अपने ऊपर कैसा प्रभाव आप देखते हैं क्या असर आएगा आपके ऊपर क्योंकि बात ये बड़ी महत्वपूर्ण है बार बार इस बात फिर से लाता हूँ कि ये जो आपका सेक्टर है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है देश के लिए हम लोग लेबर इंटेंसिव कंट्री है कैपिटल इंटेंसिव हमारा काम चलना नहीं है तो बड़ी 100 फर्में है ना 100 बड़ी कंपनियां मैं उसको नहीं देखता एम्प्लॉयमेंट दे कौन रहा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉयमेंट दे रहा है एम्प्लॉयमेंट दे कौन रहा है बिजनेस दे रहे हैं तो सारा का सारा दारोमदार डेवलपमेंट का तो आप ही लोगों के ऊपर है आप किस नजरिए से देखते हैं इस बजट को देखिए मनीष जी पूरी बातों को मैं सुन रहा था पहली बात तो यह है कि जब भी किसी से कह रहा हूं कि मर्जर को गवर्नमेंट का जो एक्शन है वो करेक्टिव कीजिए चाहे वो एम्प्लॉयमेंट दृष्टिकोण हो चाहे उनकी बैलेंस शीट खराब रही हो चाहे उनकी एनपीए अकाउंट चल रहे हो व्हाटएवर मतलब मैं उसको जारी रखूं कि मेरा सब्जेक्ट नहीं कलेक्टिव मेजर जब भी लिए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी इंस्टीट्यूशन में किसी भी कंट्री में हमेशा उसका विरोध हमेशा होगा ये भी एसोसिएशन का कार्यक्रम है आईबॉक का तो यूनियंस और एसोसिएशन हमेशा करेक्टिव मेजर्स का ऐसा मेरा मानना है क्या लेकिन देखना ये चाहिए कि सक्सेस और फेलियर प्राइवेट बैंक हो या नेशनलाइज बैंक हो दोनों का आपको स्टडी करना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि प्राइवेट बैंक फेल नहीं हुए रिटेल लोन हो बहुत ज्यादा जब देते थे 2008 की इकोनॉमिक क्राइसिस में प्राइवेट बैंक भी फेल हुए और गवर्नमेंट बैंक भी इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि वो इतना ज्यादा सरल है लोगों को जनहित में काम करते हैं जनहित से प्रॉफिट में जाते हैं प्राइवेट बैंक सर आज एआईबीएफसी अधिकारियों का संगठन राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा संगठन आज एक एआईबीएफसी का कॉन्क्लेव कंडक्ट कर रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य है जनता जिसका पैसा कि बैंकों में रखा है जिसका पैसा बैंकों में इन्वेस्ट है जनता के पास हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आज उसके बैंकर है उसके सामने क्या चैलेंजेस हैं आज जो भारत सरकार प्राइवेटाइजेशन और निजीकरण कर रही है उसका क्या उद्देश्य है उससे उसका उस पर क्या फर्क पड़ेगा आज जो बैंकर है उसकी स्थिति क्या है समाज में आज बैंकर से अपेक्षा तो काफ़ी है जनता को लेकिन उसके ऊपर कितना दबाव है उस बैंकर की क्या स्थिति है सर ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो जनता से सीधे जुड़े हुए मुद्दे आज चाहे निजीकरण हो चाहे चैलेंजेस बिफोर बैंकिंग हो चाहे चैलेंजेस बिफोर बैंकर हो आज बैंकर की प्राइमरी ड्यूटी है जो जनता का पैसा जमा होता है उस पर एक निश्चित रिटर्न देना और जनता के धन को सुरक्षित रखना आज भारत सरकार विलय और मर्जर के तहत बैंकों का दुरुपयोग कर रही है बैंकों के साथ मर्जर करके तमाम सारी शाखाएं कम करना इससे रिवर्स प्रोसेस चल रहा है आज उन नीतियों को हमें समझने की जरूर आवश्यकता है कि जिनके तहत 27 के 19 बैंक रह गए वो पॉलिसी डिफेक्टेड है आज भारत सरकार उन पॉलिसीज की बात नहीं करती है उन बैंकों की बात करती है आज देना बैंक का मर्जर बैंक ऑफ बड़ौदा और विजया बैंक का तीनों का किया जा रहा है आज क्या कारण है कि उन पॉलिसीज में कहाँ गलती थी आखिरकार भारत सरकार की नीतियों के ही चलते 27 के 19 बैंक हुए और आगे भी मर्जर की संभावना है तो
आज सामान्य जन को इस विचार मंथन में शामिल होना चाहिए। आज केवल ये बैंकर्स का इशू नहीं है, आज जो हम कॉन्क्लेव कर रहे हैं ये मासेस का इशू है और साधारण जन का इशू है। लोगों को इसको समझना चाहिए, लोगों को इसमें शामिल होना चाहिए, इसीलिए हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए इस कॉन्क्लेव को माध्यम बना रहे हैं। धन्यवाद।